तो टेस्ट करेंगे बलिनो 2022 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है 23 किलोमीटर के आसपास की, और हम आज चला के देखेंगे इसको 700-800 किलोमीटर के बीच में, और गांव में से भी लेके जाएंगे, शहर में से भी लेके जाएंगे, हाईवे से भी लेके जाएंगे, तो सब कुछ मिक्सअप करके देखेंगे कि ऑन एन एवरेज कितनी एवरेज दे देगी, तो वो हम आज टेस्ट करने वाले। चलो शुरू करते हैं। अभी मैंने जीरो कर दिया है और अभी हम फुल करवाने वाले हैं टंकी, अभी जितनी भी है फुल कराएंगे। अब फुल करा रहे हैं, वहाँ पे फुल हो जाएगा। 30 लीटर आ गया? नहीं, बस फुल हो गया ना। 3300 कर दो, कर दो। 3300 का डलवा लिया हमने पूरा। इसमें आया है 31 लीटर, ये हो गया 31.3। देखो 31.3। इसका तो वीडियो बनाएगा कुछ ना। वाह भाई वाह, ओहो, फिर टिकट लेके यही बुलवा ले, समझ रहे, दुबई देख रहा हूँ किसी ने। हमारा पहला स्टॉप सालासर में, ठीक है, और अभी हमारी चल चुकी है टोटल 329। अभी अगर सुई देखो तो हाफ से थोड़ी सी ऊपर है, तो मतलब 301 किलोमीटर की वो रेंज ये दिखा रहा है, तो एग्जैक्ट सही दिखाता रेंज, ठीक है, तो इतनी तो चली जाएगी। अब यहाँ से निकलेंगे तब दिखाऊंगा मैं आपको, और अभी जो दिखा रहे 17 की दिखा रहा है, 17.7 की, तो देखते हैं। हमारी गाड़ी का सालासर आ गए, ठीक है, अब अभी तो हाफ हो गया है, अब देखेंगे क्या रहेगा। 10 किलोमीटर। चलो पशु खरीदने की नंबर वन जगह एनिमल ऐप या भी आ गई भाई, खरीदना हो किसको पशु संपर्क करे। दूसरा स्टॉप है खाटू शाम, और तो अभी चल गई है 437 किलोमीटर, और आधा एक फ्यूल है अभी इसमें, आधा से थोड़ा सा कम हुआ, अभी रेंज दिखा रहा है 206, अभी खड़ी है गाड़ी, तो थोड़ा बहुत तो ऐसे भी गया है, बट अभी दूसरा स्टॉप है और तीसरा स्टॉप अब दोबारा दिल्ली का है, तो फिर इसको फ्यूल अप कराएंगे और फिर देखेंगे कितना। तो भाई अभी चल गई है 570 और रेंज अभी 90 किलोमीटर हो गई है। अब नेक्स्ट डलवाएंगे जब पेट्रोल, तब देखेंगे। तो हमारा जो जाने वाला रास्ता था वो बिल्कुल गांव से होके गुजर रहा था, उसको हाईवे तो था बट उसको हाईवे वाली फील नहीं थी, गड्ढे थे, ब्रेकर थे, गांव थे, तो मतलब नॉर्मल आप जैसे आप सिटी में कह सकते हो वैसे ही गाड़ी चल रही थी, कोई ज्यादा फर्क नहीं था, बट ये आने वाला रास्ता काफी अच्छा है, ये पूरा हाईवे मिला। तो अभी चल गई है 597 और अब पेट्रोल डलवा रहे हैं हम, तो पेट्रोल डलवा रहे हैं 800 रुपये का, कितने लीटर आएगा वो तो उसमें पता चले। 120 रुपये, 15 रुपये का फर्क है। अब 200 का ऑर्डर डलवा रहे हैं, 6.7 तब था और अब टोटल हो जाएगा ये 1.56। ये है और 6.7 वो था, है ना, टोटल अब 209 हो गया, 209.57। एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया कि हम 5 पैसेंजर्स हैं और साथ में ये 100 किलो का एक्स्ट्रा वेट जो डिग्गी में रखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट आप 6 बंदे मान सकते हो, तब ये माइलेज मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बंदों के ज्यादा होने का, एक्स्ट्रा होने का, बट डेफिनेटली कुछ परसेंट तो फर्क पड़ता ही है, 2 से 5% का फर्क डेफिनेटली फ्यूल इकोनॉमी में पड़ जाता है। खत्म, लो फ्यूल ये है, 770 किलोमीटर चल रही है,
अब कल भरवाएंगे इसको। और मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें करी हमने, तो मैंने रफ एंड टफ एग्जैक्ट में बताऊंगा, तो कल फ्यूल भरवाएंगे और कैलकुलेट करेंगे टोटल कितनी एवरेज दी इसने पूरे ट्रिप में। फाइनली आ गई है फ्यूल भराने की बारी और अभी चली है गाड़ी 782 किलोमीटर और अभी देखते हैं कितना टोटल फ्यूल अभी है। तो भाई मैं वीडियो नहीं बना पाया था बट मैंने फोटो क्लिक कर लिया था, तो हमने फाइनली डलवाया 3076.06 का और इसमें आया है 31.8 लीटर पेट्रोल और अभी हम हिसाब लगाते हैं कि कितनी हमारी माइलेज हो गई है यहाँ पे। तो भाई ये मैंने बना लिया छोटी सी एक्सेल और यहाँ पे मैंने सारा मेंशन कर लिया है। एक बार हमने फुल कराई थी, फुल कराने के बाद हमने तीन जगह पेट्रोल डलवाया, एक में 6.7 लीटर, 1.7 लीटर, 31.8 लीटर, टोटल हो गया 40.2 लीटर और इसमें हमारी गाड़ी चली है 782.6 लीटर 6 किलोमीटर और हमारी टोटल एवरेज निकल के आई है 19.46, मतलब 19.5 की एवरेज दी है। पहले तो कमेंट सेक्शन मेंशन करना कि आपको ये एवरेज कैसी लगी है। अब इतनी कम, या कंपनी तो 23 की क्लेम करती है हाईवे वगैरह पे, बट इतनी कम एवरेज आने के दो रीजन है। पहली बात तो हमारा जो आधा रूट था, इसका आधा रूट जो था वो बिल्कुल गांव देहात से होते हुए गया था, गड्ढे ब्रेकर और बेकार सड़कें, ठीक है, तो रुक रुक के गाड़ी चल रही थी। आप कह सकते हो एक शहर वाली फीलिंग जो थी वो थी, हाईवे था ही नहीं, बस नाम नाम का हाईवे था वो, तो गाड़ी चल नहीं रही थी, तो वहां पे जो इकोनॉमिक कंजप्शन है वो कम हो गई। दूसरा बड़ा रीजन क्या था कि आते वक्त हमने गाड़ी को चलाया 90-100, तो 100 पे जब गाड़ी जाती है तो पेट्रोल कंजप्शन ज्यादा हो जाती है, शाम हो गई थी चलाते चलाते, तो इसलिए थोड़ा जल्दी पहुंचना था, इस वजह से भी इसकी एवरेज डाउन हुई है। तो मतलब खींचोगे जितना जब आप गाड़ी को तो एवरेज कम हो ही जाती है। तीसरा रीजन ये है कि गाड़ी जो है अभी सिर्फ 2000 किलोमीटर चली है, तो इंजन रवा भी नहीं हुआ है, तो मतलब 5-10 हजार किलोमीटर जब गाड़ी चल जाती है तब गाड़ी की एग्जैक्ट एवरेज निकलती है, तो मैं 5-10 हजार किलोमीटर जब चलेगी तब भी इसकी एवरेज निकालूंगा। तो ये तीन मोटे मोटे रीजंस थे जिसकी वजह से माइलेज इतनी आई है, बट फिर भी ठीक ठाक माइलेज मेरे को लगी है, 19.5-20 के आसपास की अगर गाड़ी एवरेज दे रही है तो वो भी मैं अच्छी मानता हूँ। और अगर आपको इससे एवरेज निकालनी है, आप 23-24-25-26 निकाल सकते हो इसकी एवरेज। रीजन दो ही चीज़ें आपको देखनी है, पहली बात तो खींचना नहीं है गाड़ी को, जो ज़्यादा स्पीड से एकदम उठाते हैं उसमें एवरेज जेल चली जाती है। दूसरा आपको 90 से नीचे ही नीचे रखनी है गाड़ी को, तब आपकी गाड़ी अच्छे से एवरेज जरूर निकाल के देगी, तो मतलब 23-24 की एवरेज ये गाड़ी दे देगी। सो मेरे हिसाब से ठीक ठाक एवरेज दी है और दूसरा राउंड हम जरूर लेंगे तब इसकी एग्जैक्ट एवरेज पता चल जाएगी। सो मुझे तो ठीक लगा है, बाकी आप कमेंट सेक्शन मेंशन करके जरूर बताना कि आपके पास कौन सी गाड़ी है और वो कितने की एवरेज देती है और हम कंपेयर करेंगे उसको बलेनो के साथ कि कितनी एवरेज वो दे रही है और कितनी ये दे रही है। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।